अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि पाँव और हाथ कैसे वाइट किए जा सकते हैं, क्योंकि जो जिल्द है वो तो हर कोई वाइट कर ही लेता है, लेकिन मेन जो मसला है वो हाथों और पैरों का है कि वाइट नहीं होते। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके हाथ और पैर बहुत ही गोरे हो जाएंगे। जो भी कोई डलनेस या डार्क स्पॉट हाथों और पैरों में होंगे तो आप लोग इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो इससे एक ही बार में आपको वाजिया तौर पर दिखाई देगा कि कैसे हाथ और पाँव जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं। इस रेमेडी को यूज़ करने से आप जो है हाथ और पाँव को दूध की तरह जो है वो वाइट कर सकते हैं। तो चलें जी, अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो जी, इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जो है वो राइस फ्लोर लेंगे। आप क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा जितना आपको चाहिए होगा। तो इसके बाद जी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जो है शुगर, 1/2 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर, इसमें और फिर इसमें ऐड करेंगे टूथपेस्ट, कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास ये क्लोजअप की थी तो मैंने यही ऐड कर ली है, आप लोग जो भी आपके घर में हो वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जी रोज वाटर इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी ये इस तरह का अमेजा जो है वो बन जाएगा। तो इसको इसके बाद आपने जो है आपने हाथ पांव या आर्म पर भी ट्राई कर सकते हैं, जहां जहां पर आपके डार्क स्पॉट हैं वहां पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इसे आपने इस तरह इससे लेके इस तरह से लेप लेना है और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ के तो अच्छे से जो है वो ऐसे मसाज करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने हाथ जो धो लेने हैं और आप देख सकेंगे डलनेस जो भी स्किन होगी हाथ पांव पे वो खत्म हो जाएगी। आप लोग जरूर इस मिक्सचर को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेमेडी। तो चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।